कोटा से खबर दुष्यंत सिंह गहलोत। देशभर में नियो की कार्रवाई के विरोध में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने कोटा में प्रदर्शन किया। पॉपुलर फ्रंट कोटा के जिलाध्यक्ष साजिद अहमद की अगुवाई में सर्किट हाउस से कलेक्ट्री तक रैली निकाली। रैली में महिलाएं भी शामिल हुई। रैली में नियो, बीजेपी व आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगे। प्रदर्शन को देखते हुए कलेक्ट्री पर बड़ी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद रहे। पॉपुलर फ्रंट कोटा के जिलाध्यक्ष साजिद अहमद का कहना है कि नियो की टीम ने बिना नोटिस दिए देश भर में रेड की है, 106 लोगों को पकड़ा है, जिसमें राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी भी शामिल है। हालांकि की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। साजिद ने बताया कि टीम ने विज्ञान नगर के अमन कॉलोनी में कार्रवाई की है। यहां 12 साल पहले स्टूडेंट लाइफ के समय हमारे प्रदेश अध्यक्ष किराए से रहा करते थे। सांगोद में उनके घर पर गए, उनके भाई को पूछताछ के लिए बुलाया था, आधे घंटे बाद उसको छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हमारे देश के खिलाफ जो भी काम करें उनके खिलाफ जाँच करें, लेकिन अभी हम देख रहे हैं जो भी बीजेपी व आरएसएस की नीतियों के खिलाफ काम करता है उसकी जांच के लिए नियो, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सहित अन्य दूसरी एजेंसियां कार्रवाई करती है। हमारी मांग है कि जो गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए।